गई है। अब क्या करेंगे, ये हमारे किचन वाले दीवार जो के काल बन पानी वाली होदी बना लेते हैं इसलिए कहा पे तो पानी भर के यहीं पर आगे ना पीछे आगे जाते हैं ना पीछे भी उतरेगी तो पे हमारी सोच से भी ज्यादा लग रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है तो एक कमरा कर लेते हैं फिलहाल, ये काम खत्म करें फिर चावल मिलेंगे। बट्टा जो है अब नहीं बनाया था, ऐसे नाश्ता कर रही थी तो मैंने सोचा दिखा दें। दिखा रहे हैं, दुआ करें निकल जाए। देखिए कैसी हो तबीयत, ठीक है? वो देखिए शाबाश, अब जाए और लेके आए। बीवी तो गा रहे हैं और कुछ पहले भी रल मिल के डाला था। अभी जी बना रही हूँ चाय। ये देखिए सब बर्तन जो है मैंने इकट्ठे कर दिया है और ये अब दूध और पानी डाला है इसमें। ये देखिए अभी चीनी पत्ती नहीं डाला, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसे उबाला दे के तो फिर इसमें चीनी पत्ती डालूँगी। और ज़किया भी हाथ मुँह धो के आ गई है। ज़किया कैसी हो, तबीयत ठीक है? और अभी अभी उठ के आई हो, इस्तियाना से मियाँ नहीं उठी, अभी भी सो रहे हैं? अच्छा उसे टाइम से जगा देना, ठीक है? अच्छा उसे जगा देना। तो अभी भी बना रही हूँ चाय, तो इंशाल्लाह चाय रेडी हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। अभी सूरज देखें ये निकल आया है, बस थोड़ा सा निकला है, अभी भी निकल रहा है। और भाभी वहाँ पर झाड़ू लगा रही है, अब वो कहीं जा रहे हैं कोई काम से तो ऊपर देखें बादल, थोड़े थोड़े बादल हैं, बाकी बिल्कुल नीला आसमान है। और ये देखें मुर्गा, और वो जा रहा है मुर्गा, और यहाँ पर देखें ये जा रही है मुर्गी। ये दोनों आ गए हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं। हाँ जी कहाँ सर, सुना है जी, चाय बना के सबको दे दिया तो अभी आटा गूंद रही हूँ। तबीयत सेहत का समय है? तबीयत भी ठीक है। अच्छा चाय बांट दे सबको? हाँ जी चाय बना के सबको दे दिया है, तो अब्बू बाहर गया था ना जी। तो अब्बू को नहीं दिया, बाकी सबको दे दिया है। मेरा ऐसा आपको भी दे दिया सुबह सुबह, झूठ में बोला? नहीं झूठ नहीं, झूठ बोलने की आदत ही नहीं है। मैं पता है कौन सा हिस्सा मांग रहा हूँ, आप वाला? मैंने तो पी लिया। नहीं दिया ना? चलो रेट के ताले आ गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है तो वो भी फंस गई है। यहीं पर उतारनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है। आगे ना पीछे जो आगे जाते हैं ना पीछे भी उतरेगी तो फिर चलो सही है, आटा गूंद ले हैं, रोटी शोटी बनाए, फिर दूसरे और भी काम करने हैं बहुत सारे आज। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसता मुस्कुरात रहें, फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो जो है फॉलो वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करें। तो जो बीमार है अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उसे नई औलाद दे, जो मजदूर है अल्लाह पाक उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है तो मैं चाय बना के सबको दे दिया, तो अभी आटा गूंद रही हूँ, तो इंशाल्लाह आटा गूंद के फिर रोटी बनाएंगे। तो आज रेत की भी ट्राली आ गई है तो इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। तो ये देखें ये हमारे किचन वाले दीवार जो कि कल बन रहा था, अभी भी दीवार वही खड़ी है। आज जो है मिस्त्रियों की छुट्टी है, कल मेरे ख्याल में जुम्मा है, कल भी नहीं आएंगे। तो ये दीवार जो ना वैसे की वैसे खड़ी है। और ये जो दिखा रहा था ना बकरियों वाला रूम बना, और ये गेट जो है पहले उधर से था, अब इधर से आ गया। वाड़ा शाड़ा साफ कर दिया, और इसके अंदर देखें ये छत है, यहाँ से जो है ये काने दिए हुए हैं। काने नहीं है, यहाँ पर भी दीवार है। नहीं वो काने हैं, वो देखें ये देखें
तो ये क्यों लगाया हुआ है फिर? ये नीचे नहीं थे ना इसलिए। ये पर उतार देना, ये दरिया वगैरह छोटी दीवार थी इसलिए ना ऊपर से ये डाल दिया। दीवार तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक सिर्फ, यहाँ से हवा आएगी ना इसलिए बंधी हुई है। टोटल करवा देते दीवार, इतने ईंटें नहीं थी, ये भी टोटल करवानी पड़ेगी। चलो सही है जैसे अब बता। और वो सुराख बंद किया है, सुराख बंद कर दिए? हाँ जी, अभी अभी बंद किया है। अच्छा ये दीवार है, ये देखिए पहले भाड़ा होता था यहाँ पर, अब जो है दीवारें आ गई हैं। गेट जो है इस साइड से था, अब उस साइड से चला गया है। यहाँ पर जो है ये भाड़ा तो वही है, जमीन तो वही है, और सफाई भी वही हो रही है जैसे पहले होती थी। हाँ जी, बकरियाँ नुकसान करती है ना, इसलिए ये दीवार भी है किचन वगैरह वाली। तो गेट जो इधर से रखा है, नुकसान करती है, पौधे खा जाती हैं, वो सहन में आ जाती हैं बकरियाँ, इसलिए। अब पौध तो नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। अब हरी बार ऐसे अबू से बोला है कि अगर कुछ ईंटें बच जाए थोड़ी बहुत तो ना उसकी पानी वाली होदी बना लेते हैं उसने कहा पे, तो पानी भर के यहीं पर पैप डाल देंगे, भर भर के पानी पिला के ना बाहर ऐसे ले जाएंगे, उधर नहीं आने देंगे। हाँ जी, चलो। अब बोला है कि अगर बच जाती हैं तो देखते हैं, अगर नहीं बचती तो फिर। हाँ जी इस्तियाना आ गई हो, मिट्टी लेके आ गई। ये देखिए सबसे पहले इस्तियाना को मैं दिखा दूँ, वो देखिए शाबाश। अब जाए और लेके आए, चले चले शाबाश। तो ये देखें इतनी सी मिट्टी, कुछ रात भी डाला था। ये देखिए ये रात वाली है, अभी भी ये डाल रहे हैं, कुछ वो भी रात डाला था। यहाँ पर जो ये देखें इतनी सी बराबर करनी है, अब ये हम डाल लें। और उसके बाद जो है दूसरे कमरे में सामान जो पड़ा है वो सामान निकालना है बाहर, पेटियां वगैरह है, खट्टू हैं, और उसके बाद ड्रमी भी है आटे वाली, और छानी भी है। ये सारा सामान जो है बाहर निकालना है, यहाँ पर भी पानी मारना है और वहाँ पर भी ईंटे को पानी लगाना है। तो अबू ने कहा कि मैं जा रहा हूँ बाहर, जो दूसरा काम है ना वो करके आएगा। अभी वो काम नहीं बताना कि क्या काम है, तो इंशाल्लाह शाम वाले व्लॉग में दिखा देंगे। अगर वो काम हो जाएगा तो दिखा देंगे, अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह कल सुबह दिखा देंगे। तो ये हम मिट्टी ढोल हैं, उसके बाद जो है और काम। वो साइड अभी झक्की है, हाँ ये साइड पे डालना है, ये साइड भी डालना है, वो साइड भी डालना है। यहाँ पर ये देखे ना, बस ऐसे करना है जैसे ये है। हाँ जी, चलो ये ना सही है, ये बराबर हो जाएगी ना जल्दी इंशाल्लाह। तो कुछ डाला था ना अभी सुबह सुबह, सारी डालना थी ना, तो इसलिए हमने कुछ रात डाला था। तो अबू ने कहा कुछ रात को डाल लो, फिर सुबह ना तंग होएंगे, तो इसलिए कुछ रात डाला, को जब भी डाले रात को। एक एक बीवी तगारियाँ और कुछ पहले भी रल मिल के डाला था, माशाल्लाह काफी रात भी ढो लिया था, और इसलिए अभी कुछ भी डाल रहे हैं। चलो सही है माशाल्लाह, ठीक है सही। हमारा कमरा इंशाल्लाह जल्दी है, ऐसे लगेगा ना जैसे महल होता है। नहीं हम ये खपर गरूर हम ये नहीं कहते हैं, अगर कोई छोटी सी झोपड़ी जो हो ना गरीबे के लिए वहीं भी महल होता है। मैंने ये बात पहले भी कह दिया था, अब भी कह रही हूँ। यार आप मेरे बात में समझे, मैं आपकी बात समझ गई। हमारा रूम बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह जब ये प्लास्टर हो जाएगा ना, तो अभी ये मिट्टी डाल रहे हैं, इंशाल्लाह प्लास्टर भी करेंगे और इंशाल्लाह प्लास्टर भी दिखाएंगे, और बहुत अच्छा रूम बनेगा, और यहाँ पर मैं बर्तन भी रखूँगी। वो तो किस्मत के बात है, जब नसीब होगा तो प्लास्टर होगा, अभी तो फिलहाल वो। अभी ये मिट्टी डाल लेते हैं, यहाँ पर पानी लगा देंगे, खत्म हो जाएगी ना। मेरी बात आप सुने, मैंने कहा जैसा भी रूम है, छोटा है बड़ा है झोपड़ी जो भी है, हमारे लिए यही महल है। बिल्कुल ये तो महल है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, फखर नहीं कर रहा, हमारे लिए ये महल है। हाँ। तो यहाँ पर देखिए समिया को जो है नाश्ता दे दिया है, उसका दुपट्टा जो है अब नहीं पहनाया था, ऐसे नाश्ता कर रही थी, तो मैंने सोचा दिखा दें, नाश्ता कर लिया। और जकिया वो देखिए बर्तन लेके जा रही हैं,
समिया नाश्ता कर लिया है? समिया, समिया नाश्ता कर लिया? समिया बोलो, नाश्ता कर लिया है? और वहाँ पर बच्चों को देखा है कितने शैतानियाँ कर रहे हैं, वह देखे। समिया नाश्ता कर लिया? अब हंस दो। चलो सलाम करोगी? सलाम करोगी? चलो सलाम करो। नहीं, दूसरा हाथ दे दो समिया, दूसरा हाथ दे दो। हाँ चलें जी, ये देखें आप सलाम भी करती है माशाल्लाह। तो ये देखें, मैंने समिया को भी दिखा दिया है। तो अब चलती हूँ बच्चों की तरफ और मिट्टी भी धोते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजदूर लगे हुए हैं। हाँ जी, फरमान भाई भी आ गए। हाँ जी चादरे साहब। नहीं नहीं चादरे नहीं यार, शर्मिंदा करते हो आप, मेहनती बंदे हो, आठवा देने काम कर रहे हो आप। हाँ जी करना तो है, आखिर किसने करना है? आपको दाद वाले मरियम देने चाहिए। हाँ जी, इस्तियाना को देने चाहिए। तेरी खैर हो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखेंगे इस्तियाना को आज कमरू बचड़ा बना हुआ है, कमरू कसर भी उठा रही है, लड़के भी उठा रहे हैं, भाभी भी उठा रही है। फरमान भाई जहाँ से पेट में लगे हुए हैं कि जल्दी ये काम ख़त्म करें फिर चावल मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी, कुछ खिलाऊंगा ले आओ ना जल्दी, फिर इंशाल्लाह ले आएंगे। जो भाई ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, जो मुझसे हुआ मैं वो ले आऊँगा। नहीं बोतल लेके आओ, हम ढूंढने काम कर रहे हैं ना। ये चॉइस मैं नहीं पूछता, मुझसे जो भी हुआ मैं ले आऊँगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि कल जो है मैंने बोतल का बोला था ख़राब कर दिया। चलो ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आगे के भी काम देखने हैं। पुत्र हिम्मत करो पुत्र। माशाल्लाह जी, यहाँ पर देखें सुबह सुबह जो है रेत की ट्राली आ गई है, अब्बू ने मंगवा ली है। और अभी अब्बू सोए हुए थे तो फोन आया कि ट्राली जो है वहाँ पर आ चुकी है और ले जाए। वो देखें वो आ गई है और अभी इसको डालेंगे यहाँ पर। ये प्लास्टर के लिए अब्बू ने मंगाई है, रूम जो है प्लास्टर करना है। ये आ गई, ट्राली जी पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो है फंस गई है आपके सामने। अभी यहीं पर ही उतारनी पड़ेगी और वो सोच रहे हैं कि यहीं पर उतारें या आगे कर लें थोड़ी सी। आगे तो नहीं आ रही क्योंकि यह टायर जो है ना फंस चुका है। तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं, अगर यहीं उतारनी है तो। फरमान भाई भी खड़े हैं। हाँ जी फरमान भाई, आ गई है ट्राली, फंस गई है। अब क्या करेंगे, यहीं पर उतारेंगे या आगे उतारने से? अब एक साथ हटा रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए अभी पसी हुई जाए निकाल रहे हैं, दुआ करें निकल जाए। आगे पीछे आगे पीछे। ये देखें ये तरपाल बिछाया जा रहा है, तरपाल जो है ले आया मुनीब और ये बिछाएंगे। अभी जो इसको उतारेंगे रेत की ट्राली को, तरपाल जो है अभी बिछा रहे हैं। वो देखें अभी उतरेगी। किले जो है निकाल रहे हैं अभी रेत जो है, जैक वाली ट्राली है मेरे ख्याल में। और अभी ऐसे ऊपर होगी तो ये सारी रेत नीचे आ जाएगी।
उठ रहे हैं अभी, रेत गिरने वाली है। उतर गई आपका कमीज फट गया है। काम करते फटते हैं, ये कमीज फट गई। अभी काम खत्म होगा तो ये कपड़े उतारेंगे। चलो और ले लेंगे इंशाल्लाह। कोई टेंशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अपना हाल हवाल सुना है काम का। काम का हाल हवाल यही है, कल वो किचन भी अधूरा रह गया, उसको भी अभी पूरा करना है। प्लास्टर का काम शुरू करवा रहे हैं, रेत आ गई है आपके सामने। हाँ जी, रेत मंगवा ली और प्लास्टर जो है एक कमरा फिलहाल कर रहे हैं। बस जिस सिस्टर ने तावन किया था एक कमरे का ही, वो मिस्त्री से भी बात हुई है, सामान वगैरह जो रेट लिस्ट बनाई है ना, तो वो भी महंगाई है आजकल। वो कल आप बता रहे थे कि जितना उन्होंने खर्चा दिया है, टाउन किया है, उससे डबल लग रहे हैं। वो ज़्यादा ही लग रहे हैं ना, मैं तुम्हारे चाचू से भी बात कर रहा था, हमारी सोच से भी ज़्यादा लग रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। तो एक कमरा कर लेते हैं फिलहाल, अल्लाह खैर करेगा, जब फुर्सत होगी तो फिर दूसरा भी कर लेंगे। कल सर की ख्वाहिश मतलब कि अभी पूरी नहीं होगी, बहुत धार धार कर रही है, मेरा कमरा प्लास्टर हो, मेरा हो। कल मुझे भी कह रही थी कि अबू मेरा कमरा प्लास्टर नहीं होगा। मैंने कहा कुछ देर ठहर जाओ, हो जाएगा इंशाल्लाह, जो ही फुर्सत होती है सबसे पहले आपका कमरा ही प्लास्टर कराएंगे, उसके बाद ही दूसरे काम जो होंगे करेंगे। चलो फिलहाल एक तो हो रहा है, कुछ से सुख आ जाएगा। हाँ, ये एक हो जाएगा ना, ये बच्चे वगैरह सोते हैं ना तो ठंड आती है, सुराख वगैरह हैं सारे जो बंद हो जाएंगे, वो तो बेहतरीन बन जाएगा, तो माशाल्लाह सर्दी भी नहीं लगेगी। उसके बाद ये भी तो करना तो है लाजमी, फिर देख लेंगे जब फुर्सत होती है, महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, जैसे भी फुर्सत होती है ना, ये पहले प्लास्टर करेंगे। चलो सही है, कोशिश करते हैं। मैं सामान लेने जाना है आज, कोशिश करूँगा, वो दुकान वाला कुछ वाकिफ है जहाँ से सीमेंट वगैरह या सामान वगैरह और ले आते हैं ना, उसे कहेंगे यार कुछ दिन उधार रख ले, चलो सीमेंट दे दे। उधार वाला चक्कर फिर देने की प्रॉब्लम बन जाती है, तो बनता है ना, इसी वजह से तो ज़रा पीछे हट जाते हैं उधार से, क्योंकि ज़्यादा उधार भी अच्छा नहीं होता। पहले भी उधार उधारें देनी है, वो कपास वाले भी उधार रखा है, मोटरसाइकिल पे भी एक किस्त दी है, अभी बाकी भी देनी है, तो उधार फिर सर पर चढ़ जाए तो फिर बस। ये तो बहुत महंगा सामान है, ये तो पल्ला भी मुश्किल है बंदा। हाँ शायद, चलो एक कमरे का ले आते हैं, पूछ लीजिए फिर इंशाल्लाह देते रहेंगे धीरे धीरे उधार के। चलो बात करूँगा, जाऊँगा जब बात तो करूँगा, अगर नहीं देगा तो उसकी मर्जी, दे देगा तो फिर ले आऊँगा, जो एक साथ हो जाएंगे। चलो ना, मिस्त्री लग गए खड़े ना होना, मिस्त्री आए खड़े ना, फिर मुश्किल लग गई थी 15 दिन मिस्त्री ने पिछू भाग दे तो सर्दियाँ फुल पा गया ना। ये बात है, जो मिस्त्री लग गए खड़े ना, एक कमल हो जाता तो उन्हें पैसे रखवा के कुछ 10-15 दिन वाल कुछ कर देना उन्होंने। मजदूरियाँ भी देनी होती है ना, ये जितनी दिहाड़ी लग रही है ना, मुझे पता है कितने पैसे जा रहे हैं, हर 2 दिन बाद वो कहते हैं पैसा, मिस्त्री के भी काफी पैसे बन जाते हैं, वो भी देखना पड़ता है। मजदूरियाँ भी आजकल ज्यादा हैं, मिस्त्री इधर मिलते ही नहीं है, मुश्किल से लाए हैं। चलो उनको तो देना है ना, वो हिसाब किताब तो हमें देखना पड़ेगा, उनको भी तो बचाने पड़ेंगे जितनी भी दिहाड़ियाँ। बात
बाकी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह बहुत बड़ा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उस पर यकीन है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपने काम मुकम्मल हो जाएंगे।